बहुत ही मज़ेदार मुंगरे मटर रेडी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मुंगरे मटर। मुंगरे मटर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1.5 kg मुंगरे लिए थे। इन्हें मैंने धोकर दोनों साइड से इनको काट लिया, फिर इस साइज में इनकी कटिंग कर ली है। छोटे छोटे टुकड़ों में इन्हें काट लिया है। अब हम इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे। अब हम पैन में 1/3 कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं। दो मीडियम साइज के प्याज मैंने ऑयल में ऐड कर दिए हैं। इन्हें फ्राई कर लेते हैं। प्याज देखें हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें 2 tablespoons अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। प्याज के साथ इसको फ्राई कर लेते हैं। साथ ही हम इसमें 3 medium size के टमाटर बारीक कटे हुए ऐड कर देते हैं। प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको भी फ्राई करेंगे 2 मिनट तक, ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। आफ्टर 2 मिनट फ्लेम को हम अब स्लो कर देते हैं और इसमें मसाले ऐड करते हैं। 1 tablespoon सुरख मिर्च का पाउडर 1½ डालेंगे। आप मिर्ची अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 tablespoon नमक, 1/3 tablespoon हल्दी, 1 tablespoon जीरा एंड 1 tablespoon पिसा हुआ धनिया डालेंगे। इसको मिक्स करते हैं। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसकी हम भुनाई करते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि टमाटर भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए जी, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और ऑयल भी निकलना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें सब्ज़ी ऐड करते हैं। 1 kg मटर है। सबसे पहले हम इसमें मटर ऐड करते हैं। इसके बाद हम इसमें मूंगरे ऐड कर देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को थोड़ा हाई करते हैं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं।
अगर आप ऐसे ही बनाएंगे मोगरे मटर बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसमें हम ये 7 ग्रीन चिलीज हैं ये ऐड कर देते हैं इसी तरह, और 1/2 कप इसमें पानी ऐड करेंगे मैक्सिमम, क्योंकि सब्जी में ऑलरेडी थोड़ा पानी होता है, बस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको मोगरे मटर सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। फ्लेम को स्लो कर देंगे थोड़ा ताकि ये मीडियम फ्लेम पे आसानी से गल सकें। अब हम चेक करते हैं, मटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखें, और मोगरे भी गल चुके हैं। मोगरे मटर रेडी हैं, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार मोगरे मटर रेडी हैं।